हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 लेसन 6 द 100 ड्रेसेस। बहुत ही शानदार स्टोरी है और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है। इसमें आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को अंत तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए लेसन शुरू करते हैं। व्हाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, जब कक्षा या विद्यार्थी कमरे में चक्कर लगा रहे थे, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। तो मॉनिटर ने प्रचार के ऑफिस से मिस मैसन को एक पत्र या नोट लाकर दिया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल। मिस मैसन ने इसको कई बार और विचारपूर्वक पढ़ा। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने ताली बजाई। अटेंशन क्लास एवरी वन बैक टू दियर सीट, सावधान कक्षा या क्लास या विद्यार्थी हर एक वापस अपनी सीट पर चलो। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब पैरों के चलने की आवाज़ बंद हुई। एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, और कमरे में एक बार फिर से चुप्पी छा गई थी। मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्राम वेंडाज फादर, मेरे पास वेंडा के पिता का एक पत्र है, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जिसको मैं तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन वहाँ एक पल खड़ी रही। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रो टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, और कमरे कि चुप्पी में आशापूर्ण तनाव आ गया। टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिब्रेटली, अध्यापक ने अपना चश्मा धीरे से और जानबूझकर ठीक किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उसकी ढंग जो कुछ होने जा रहा था उसका संकेत था। दिस लेटर फ्रॉम विंडाज फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, यह वेंडा के पिता का पत्र एक महत्वपूर्ण था। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, जैसे ही मिस मैसन ने यह संक्षिप्त नोट यानी पत्र पढ़ा, हर एक ने ध्यानपूर्वक सुना। डियर टीचर, प्रिय अध्यापक, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक आल्सो, मेरी वेंडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी, जैक भी नहीं। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर में जाएंगे। नो मोर आज का हॉलर पुलाव, अब और कोई चिल्लाकर नहीं बोलेगा पुलाक। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और अब नहीं पूछा जाएगा इतना मजाकिया नाम क्यों। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े शहर में ऐसे मजाकिया नाम बहुत होते हैं। योर ट्रूली जैन पेंट्रोंस्की, आपका जैन पेंट्रोंस्की। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस पत्र के बाद एक गहरी चुप्पी छा गई, यानी इस पत्र को पढ़ने के बाद एक गहरी चुप्पी छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा। ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंड केयर चिप, उन पर फूंक मारी और अपने मुलायम सफ़ेद रुमाल से पोछा। Then she put them on again and looked at the class.
फिर उसने उनको दोबारा पहना और कक्षा की तरफ देखा। When she spoke, her voice was very low. जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। I am sure that none of the boys and girls in the room 13. मुझे पूरा विश्वास है कि कमरा नंबर 13 के लड़के लड़कियों में से कोई भी उठ पर पजली एंड डेलिब्रेटली हर्ट एनीवंस फीलिंग, जानबूझकर चालाकी से इसलिए किसी की भावनाओं के को आहत नहीं करेगा। बिकॉज हीज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग एंड फैमिलियर वन, कि उसका नाम लंबा और अनजान है। आई प्रेफर थिंक दैट वाट वाज सेड थॉटलेसनेस थॉटलेसनेस। मैं यह सोचती हूँ कि जो कुछ कहा गया था वह बिना सोचे समझे कहा गया था। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह महसूस करते हैं। दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड अनफॉर्चुनेट एंड सेड बोथ, कि यह बहुत दुर्भाग्यशाली और उदास करने वाली बात घटित हुई है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट यू, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड पढ़ाई का था। मैडी ट्राई टू प्रेपर हर लेसन, मैडी ने अपना पाठ तैयार करने की कोशिश की। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, परंतु वह अपना मन अपने काम में नहीं लगा पाई। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, उसके अंदर एक बेहद बीमार भावना थी। ट्रू शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी वेंडा, हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लॉजिट। सच में उसे पेगी द्वारा वेंडा को यह पूछने कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें थी मैं कभी आनंद नहीं आया था। बट शी हैड सेड नथिंग, परंतु उसने कुछ नहीं कहा था। शी हैड स्टूड साइलेंटली, वह चुप खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वाट पेगी हैड डन, और वह भी उतना ही बुरा था जो पेगी कर चुकी थी। वर सी वॉज अ कावर्ड, उससे भी ज़्यादा खराब वह एक डरपोक थी। एट लास्ट पेगी हैडंट कंसीडर्ड दे वर बींग मीन, कम से कम पेगी तो ऐसा नहीं समझती थी कि वे घटिया बन रही थी। बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, परंतु मैडी ने सोचा था कि वे गलत कर रही थी। शी वुड पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूज, वह खुद को वेंडा जैसी स्थिति में डाल सकती थी। गुडनेस अच्छा हो वाजंट देयर एनी थिंग शी कुड डू, क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, यदि केवल वह वेंडा को बता पाती कि उसका मतलब उसकी भावनाओं को आहत करने का नहीं था। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लेंस एट पेगी, वह घूमी और चोरी से एक दृष्टि पेगी पर डाली। बट पेगी डिड नॉट लुक अप, परंतु पेगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, वह काफ़ी मेहनत से पढ़ते हुए दिखाई दी। वेल वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, ठीक है चाहे पेगी ने बुरा महसूस किया या नहीं। सी मैडी हैड टू डू समथिंग, उसे मैडी को ज़रूर कुछ करना पड़ेगा। सी हैड टू फाइंड वेंडा पेंट्रोंस्की, उसने वेंडा पेंट्रोंस्की को ढूंढना पड़ेगा। मे बी शी हैड
नॉट एट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वह अभी दूर नहीं गई होगी। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर, हो सकता है कि पेगी भी उसके साथ यानी मैडी के साथ हाइट पर चलेगी। एंड दे वुड टेल वेंडा सी हैड वन द कॉन्टेस्ट, और वे वेंडा को बताएंगे कि उसने मुकाबला जीत लिया था। दैट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, कि वे सोचते थे कि वह सुंदर थी, 100 पोशाकें सुंदर थी। वेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, पेगी सेड विद प्रेटेंडेंट कैजुअलनेस, जब स्कूल दोपहर को खारिज हुआ, पेगी ने एक झूठी साधारणता के साथ कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, हे चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या वह बच्ची कस्बे से जा चुकी है या नहीं। सो पेगी हैड द सेम आइडिया, पेगी के पास भी यही विचार था। मैडी ग्लोब्ड, मैडी चमकी, पेग वाज रियली ऑल राइट, पेग वास्तव में ठीक थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां बिल्डिंग से बाहर भागी। ऑफ द स्ट्रीट टूवर्ड्स बोगिंग्स हाइट्स, गली में बोगिंग्स हाइट की तरफ। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वर सच अ फॉरबिडिंग एयर इन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, जो कि एक ऐसी जगह थी जहां इस प्रकार की नवंबर की दोपहर को जाना मना था। डिजली डैम एंड डिशमल, बूंदाबांदी होती हुई गीली और निराश जगह थी। वेल एटलीस्ट सेड पेगी ग्रूफली, ठीक है कम से कम, पेगी ने कठोरता से कहा। आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉर्चुनर और मेक फन ऑफ हर नेम, मैंने कभी उसे विदेशी नहीं कहा और उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। आई हैड नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी आर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, मैंने कभी नहीं सोचा था, उसे जानने की समझ थी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। आई थॉट शी वॉज टू डम, मैंने सोचा कि वह इतनी बहरी है अर्थात अनसुना करने वाली है। एंड गी लुक हाउ कैन सी ड्रा, और आगे देखो, आगे बढ़ो, देखो वह कैसे ड्रा कर सकती है। मैडी कुड सी नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकती थी। ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे वुड काइंड वेंडा फाइंड वेंडा, जो कुछ वो उम्मीद रखती थी वो था कि वेंडा को ढूंढ लेंगे। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, वो उसको बताना चाहती थी कि उन्हें अफसोस था कि उन्होंने उसको चुना, अर्थात अनेकों में से उसे ही हंसी का पात्र बनाया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और कैसे सारा स्कूल उसको अद्भुत समझता था। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और कहेंगे कि कृपया दूर मत जाओ जब सभी तुम्हारे प्रति अच्छे होंगे। शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, वह और पेगी हर उससे लड़ेंगे जो अच्छे नहीं होंगे। द टू गर्ल हरीड ऑन, दोनों लड़कियां भागी। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वे आशा करती थी कि अंधेरा होने से पहले वे हाइट पर पहुंच जाएंगी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेंट्रोंस्की लिव सेड मैडी, मेरे विचार से पेंट्रोंस्की परिवार वहां रहता है। पॉइंटिंग टू अ लिटल वाइट हाउस, मैडी ने कहा,
सेड मैडी। मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू अ लिटल हाउस, लिटल वाइट हाउस, आई थिंक दैट्स वेयर द पेंट्रोंस्की लिव, सेड मैडी। मेरे विचार से पेंट्रोंस्की परिवार वहाँ रहता है, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू अ लिटल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए, विच पर ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थीन किटन्स, पुरानी घास के तिनके यहाँ चिपके थे और वहाँ रास्ते में पतले बिल्ली के जैसे थे, अर्थात बहुत संकरे थे। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटल यार्ड लुक शेबी बट क्लीन, वह घर उसका बिना घास का आता पुराना पर साफ दिख रहा था। इट रिमेन्ड मैडी ऑफ विंडास वन ड्रेस, यह मैडी को एक पोशाक की याद दिलाता था। हर फेडर ब्लू कॉटन ड्रेस शेबी बट क्लीन, उसकी फीकी पड़ चुकी सूती पोशाक पुरानी परंतु साफ थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, घर में जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। पेगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर, पेगी ने आत्मविश्वास के साथ दरवाजा खटखटाया। बट देयर वॉज नो आंसर, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, वह और मैडी पीछे के आते से गई और वहाँ से खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, फिर भी कोई नहीं उत्तर नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई शक नहीं था। द पेंट्रोंस्की वर गोन, पेंट्रोंस्की चले गए थे। हाउ कुड दे इवन मेक अमेंड्स, वे मैडी और पेगी कैसे माफ़ी मांग सकते थे। दे टर्नड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वे धीरे से मुड़े और पहाड़ी से वापिस आने का रास्ता पकड़ा। वेल एनीवे सेड पेगी, ठीक है कोई बात नहीं, पेगी ने कहा। सी गोज नाउ सो व्हाट कैन वी डू, अब वह जा चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, इसके अलावा जब मैं उसको उसकी पोशाकों के बारे में पूछती थी। शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स, तो संभवतः वह उनकी ड्राइंग्स ही समझ रही होगी। शी माइट नॉट इवर हैव ओन द कंटेस्ट अदरवाइज, अन्यथा वह मुकालबा भी नहीं जीत पाती। मैडी टर्नेट दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने इस यह विचार अपने ही मन में सावधानी से सोचा। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इट इन इट, क्योंकि इसमें कुछ होता तो शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, उसे इतना बुरा महसूस नहीं करना पड़ता। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए, और आपको यह वीडियो कैसे लगे हमारे कमेंट में डालिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए ताकि इस तरह के आगे वीडियो बनाएं।